हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत इजी एंड टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल भेल पूरी, जो कि मुझे लगता है सभी लोगों की फेवरेट होती है। भेल खाना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन हम जब भी उसको घर में बनाते हैं तो वो वाला टेस्ट नहीं आता जो ठेले पर हम खाते हैं उसमें आता है। सो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आप इसको ट्राई करके देखिए, की भेल भी उतनी ही टेस्टी बनेगी, वही टेस्ट आएगा जो हम ठेले पर खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है मुरमुरा, इसको आप कुछ लोग लाई बोलते हैं, आप इसको पफ राइस भी बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। तो ये लिया है मैंने। इसके बाद मैंने रखी एक कढ़ाई, उसमें डाला बहुत थोड़ा सा ऑयल और उसमें इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। इसमें मैंने डाली है एक छोटा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसे हमें बहुत मीडियम फ्लेम पर ही हल्का हल्का पकाते रहना है। जब ये थोड़ी सी भुन जाएगी तो इसको मैं से हाथ से फोड़ करके देखेंगे, एकदम कुरकुरा हो गया होगा। फिर इसके बाद में हम तैयार कर लेते हैं और सारी चीज़ें जो हमें अपनी इस भेल में ऐड करनी है। तो मैंने लिया है थोड़ा सा प्याज, यह लिया है मैंने पुदीना, ये मैंने उबला हुआ आलू लिया है, हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा मैंने भुना हुआ चना लिया है, हरा धनिया और नींबू, और मैंने लिया है टमाटर, चाट मसाला, लाल नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, नींबू। तो अभी हम ये जो हमारा हमने अभी इसको जो लाई भून करके रखी थी उसको हमने निकाल लिया है एक बड़े बर्तन में। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसमें बाकी सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। और ये देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे उबला हुआ आलू, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और हरा धनिया, चना, सारी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से ऐड करेंगे। और मोस्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है चाट मसाला। चाट मसाला आप इसमें ज़रूर डालें, उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और लाल नमक का यूज़ करें। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा सादा नमक, सारी चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और अभी इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो तो रह ही गया है। सो अभी हम इसमें डालेंगे बेसन का शेप, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि आलू भुजिया, बहुत सारी चीज़ें इसको बोलते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है नींबू। नींबू बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो जो हमारी भेल है वो सौगी हो जाएगी, इसलिए नींबू को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही नींबू डालना है टेस्ट के लिए। इसको अच्छे से मिलाएंगे। भेल हमारी लगभग तैयार हो गई। अभी हम इसमें डालेंगे छोटा छोटा पुदीना कट करके, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आता है। फिर डाल देंगे हरा धनिया, अभी इसमें बस एक चीज़ और मिसिंग है, वो है हरी चटनी। इसमें इसको मैंने पीस करके पहले से ही रख लिया था। इसमें मैंने डाला है टमाटर, धनिया, पुदीना, हरा मिर्च, थोड़ा सा जीरा डाल करके मैंने ये चटनी बनाई थी, तो इसको भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। इसके बाद आप ट्राई करके देखिए, ये भेल इतनी टेस्टी बनेगी ना, मेरा तो इसको देख करके अभी से ही खाने का मन कर रहा है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फिर इसके बाद में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी भेल कैसी बनी थी। आप लोग मेरे साथ अपनी रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं, मैं उसको भी ट्राई करके रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। एंड लास्ट में इसको पेपर पे ऐसे रख करके, मुझे वो तो बनाना नहीं आया जो वो लोग रोल जैसा बना करके देते थे, ऐसे खाएँगे बिल्कुल वही वाला टेस्ट है इसमें जो हम बाहर खाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।